हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू माय चैनल टीम टॉक्स। वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, ग्रेनेट यूनिवर्सिटी। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, हो सकता है आपकी काम की चीज़ स्किप हो जाए, तो पूरी तरीके से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, हो सकता है आपके जूनियर्स को, आपके आने वाले ब्रदर सिस्टर को जो अभी 12th पास आउट हुए हों, जो ग्रेजुएशन के आगे के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे स्कोप के बारे में आपको बताऊंगी, तो आप उनको शेयर जरूर करना। स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेनेट यूनिवर्सिटी न्यूली है, 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओके। ऑफर कोर्स के बारे में बात कर लें तो बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, बीएलएलबी, बीबीएएलबी, पीजीडीएम जैसे कोर्सेज को आप कर सकते हो। हम जानेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन, कोलैबोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, ऑफर कोर्स एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने को, तो वीडियो में बने रहना। यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड आल्सो अप्रूव्ड बाय क्यूजीसी, एआईसीटीई एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग आल्सो अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और BCI, ओके? उनकी बात करें तो काफी सारे इंटरनेशनल कंपनियां के साथ का कोलैबोरेशन है, यू कैन चेक इट। जी कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो डेल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अमेज़न, HCL, TCS, Wipro एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनियां हैं। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द रैंकिंग। अगर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो अभी कुछ खास रैंकिंग तो नहीं है क्योंकि अभी ये न्यूली है, 2016 में एस्टैब्लिश है, बट फिर भी दे गॉट सेकंड रैंक इन बेस्ट इमर्जिंग इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट एंड रिसर्च कैपेबिलिटी बाय टाइम इंजीनियरिंग रैंकिंग एंड आफ्टर दैट फोर्थ रैंक among new promising engineering college of India by today survey, fifth rank best law college in UP by IIRF 2023. After that got a A grade outcomes based on education ranking, best infrastructure in education by College Dunya Excellence Award 2023. So it's amazing. बारी है थोड़ी सी झलक देखने की, कैसा दिखता है ये, ओके? चलो एक बार थोड़ा सा देख ले, उसके बाद बताते हैं कहाँ सिचुएटेड है, कैसा क्या है इसके बारे में, ओके? ग्रेटर नोएडा एंड ये 68 एकर्स की एरिया में बना हुआ है। मैं आपको सभी फैसिलिटी मिल जाएंगी जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, सीएसई लैब, ईसी लैब, ऑडिटोरियम, मूड कोर्ट, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्पोर्ट फैसिलिटी में क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस एक्सेट्रा एंड यू कैन प्ले ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स हियर, ओके? साथ ही साथ सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल हैं, ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कैंपस मिलती है।
बात कर लेते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको सब कुछ अलग अलग बताऊंगी एक साथ नहीं, ताकि आपके माइंड में सब चीज क्लियर रहे कि किसके बेस में स्कॉलरशिप मिले, किसमें डिस्काउंट है, किसमें नहीं। मैं एक साथ बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग उसको क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले ट्यूशन फी बता रही हूँ। तो बीटेक के लिए आपको 3.60 लाख पर एनम चाहिए, टेक्नोलॉजी 3.50 लाख पर एनम, बीसीए 1.70 लाख पर एनम, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 3.25 लाख पर एनम, बीबीए 2.50 लाख पर एनम, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स की बात कर रही हूँ 3.40 लाख पर एनम, एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर के लिए जो आपका पड़ेगा बजट वो पड़ेगा 3.3 लाख पर एनम, एंड एमबीए 5 लाख पर एनम। बात कर लेते हैं हॉस्टल चार्जेस की, जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको हॉस्टल की जरूरत भी पड़ती है, तो उनका कॉस्ट जानते हैं, अगर आप ट्रिपल शेयरिंग करते हैं मतलब एक रूम में 3 बेड होंगे उस टाइप का लोगे आप, तो 1.50 लाख पर एनम पड़ेगा। ट्विन शेयरिंग मतलब एक रूम में 2 बेड, उसके लिए 1.75 लाख पर एनम, इंक्लूडिंग बोर्डिंग लोडिंग एंड लॉन्ड्री। उसकी बात कर लें, एग्जाम फी 10,000 एनुअल, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 वन टाइम है जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फी 45,000 वन टाइम है लेकिन नॉन रिफंडेबल है, इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखिएगा। सिप भी है यहाँ पे, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अभी मैं आपको सिर्फ बीटेक सीएसई का बता रही हूँ, बाकी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक नंबर मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप बाकी की भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। में अगर आपने 95% या 95% से ज़्यादा स्कोर किया है तो आपको मिलेगा 50% का स्कॉलरशिप इन ट्यूशन फी। 90-95% अगर आपने स्कोर गेन किया है तो आपको मिलेगा 35% स्कॉलरशिप। 85-90 के बीच में अगर आपने स्कोर गेन किया है तो आपको मिलेगा 20% का स्कॉलरशिप, और अगर आपने 80-85% का स्कोर गेन किया है तो आपको मिल जाएगा 10% का स्कॉलरशिप इन ट्यूशन फी। मतलब जो भी आपका ट्यूशन फी होगा उसमें जो मैंने परसेंटेज बताए हैं वो परसेंटेज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, कि आपको किस चीज़ में एडमिशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या है आपका कंप्लीट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। ओके, बीटेक के लिए 12th पास हो, फिजिक्स एंड मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो, 60% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, या फिर जेई मेंस के स्कोर के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी की बात कर लें तो एडमिशन बेस्ड ऑन क्लैट एंड एलसेट स्कोर के बेस में आपका यहाँ पे हो जाएगा एडमिशन। बीबीए की बात कर लें तो आपका आईमा क्यूकेट के स्कोर के बेस में आप एडमिशन ले सकते हो, साथ ही साथ 12th में 60% के एवव मार्क्स होने चाहिए आपके। करते हैं एमबीए की, एमबीए में आपका मैट या सीमेट के स्कोर के बेस में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसमें 50% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। ओके, को अदर कोर्सेज के लिए जानना है तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप कॉल करोगे तो मेरी टीम इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जानकारी देगी। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ का हाइएस्ट पैकेज रहा है 1.2 करोड़ पर एनम, एवरेज पैकेज की बात कर लें तो 10 लाख पर एनम। लेते हैं स्टूडेंट रिव्यू की, तो 80-85% स्टूडेंट टू गेट ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 7-8 लाख पर एनम। अरे प्रोन्स बता दिए, अब बारी है कौन की, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, कहते ना कि चांद में भी दागे फिरते की यूनिवर्सिटी है। तो बात कर लेते हैं कौन की, तो अभी ये न्यू एस्टेब्लिशमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसकी कोई खास रैंकिंग नहीं है, NIRF में अभी तो इसे रैंकिंग मिली ही नहीं है, और साथ ही साथ NAAC NAC में भी इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। अगर ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती है तो यू कैन गो डेफिनेटली एंड टेक एडमिशन, ताकि न्यू एस्टेब्लिशमेंट के होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, एंड डे बाई डे ये बहुत अच्छा अपना प्लेस गेन कर रही है, यू कैन चेक ऑन गूगल। आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि ये न्यू है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है, मैंने खुद देखा है, इसके बारे में खुद पढ़ा है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके अलावा अगर आपको किसी कोर्स के बारे में इसकी डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपको मेरी टीम
पूरी डिटेल में इसको बताएगी, जिसके भी सारे डाउट क्लियर हैं उसको रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप जाओ क्लिक करो, खुद से करो रजिस्ट्रेशन। कुछ भी डाउट आता है आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। जिनको ये लगता है कि मेरी टीम उन्हें खुद कॉल करे, उनके लिए नीचे जाएंगे गूगल फॉर्म है, उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करके छोड़ दीजिए, मेरी टीम आपको खुद कॉल कर लेगी और सारी इन्फॉर्मेशन खुद देगी। उसके बाद आप खुद से एक बार चेक करो, देखो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके बाद आप बेफिक्र होकर एडमिशन लीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख सकते हैं, तब भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और प्लीज़ शेयर करना वीडियो को मत भूले, किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो हो सकती है। कोई बच्चा सोच रहा है मैं कहाँ एडमिशन लेना, उसको नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज़ तक आप शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आगे से न्यू वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।